तो चलिए दोस्तों, आज चल रहे हैं हम अपने छोटे भाई को कार सिखाने के लिए। शाम के अभी 4 बज चुके हैं, तो चेक इंजन लाइट हमारी गाड़ी में आ रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल चुके हैं हम घर से अपने गांव का एरिया, ऐसा ही होता है। डॉगी आ चुका है हमारे बीच, अभी एक दोस्त और हमारा आने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे गांव का मंदिर और ये आ गया सीधा मेन रोड। तो चलिए तो भाई वाह, चल चुके हैं हम तीनों और ये पीछे बैठा है। तो हाईवे पर जाकर रेस्ट हाउस के पास ही कार चलाएंगे, क्योंकि मेन रोड पर दिक्कत हो जाती है और खुले में चलाने का मज़ा कुछ और है। और ये जो बैठा है इसको ही कार चलानी है, तो चलते रहिए, देखते हैं आगे। अभी मेन रोड आ चुका है हमारा ये, तो सीधा उसके बाद देखते हैं। तो भाई अभी रुक रहे हैं थोड़ी देर वापस आने के लिए गाड़ी में, हवा भरने के बाद देखते हैं चलते हैं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हवा चेक करा कर फिर चलेंगे गाड़ी को लेकर सीधा। लो भाई, थोड़ी कार आ रही है, देखिए क्या बात है। और दोस्तों हवा हो चुकी है मेरा। तो चलिए दोस्तों, बस 2 सेकंड का नहीं 1 मिनट का टाइम लगेगा भैया। अभी आगे से हमें लेफ्ट होना है, उसके बाद आ चुके हैं सीधा हाईवे रोड पर, जो कि NH 344। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये आ चुका है और लेफ्ट साइड हमें जाना है, जो कि सीधा सहारनपुर की तरफ जाता है। और ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त रोड आ चुका है। तो दोस्तों देखिए, हाईवे आ चुका है 4 लाइन। हम अभी नीचे हैं और हमें हाईवे से क्रॉसिंग करके आगे रेस्ट हाउस आने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी आगे एक ब्रेकर आएगा यहाँ पर, उसके बाद सीधा राइट साइड में हमारे रेस्ट हाउस आ जाएगा। तो चलते रहिए, अभी ट्रक आ चुका है आगे, ब्रेक लगाएंगे यहाँ पर टिशकियाँ हम। तो दोस्तों हाईवे पर थोड़ी सावधानी से, क्योंकि 2 सेकंड में चक्के उड़ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हो चुके हैं हम हाईवे पर, और यहाँ से आप राइट साइड हमारा टारगेट आ गया है, जहाँ पर हम बाइक कार जो मर्जी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, बलैरो। ये सुरक्षा कर्मी हैं और ओवरलोडिंग गाड़ियों की करते हैं। तो देख सकते हैं, इधर दिखाओ भैया, आ गया हमारा ट्रैक। ट्रैक पर अभी कोई नहीं है, तो शुरू करेंगे अब इनको भाई साहब को गाड़ी सिखाना। तो देखिए भाई साहब, सूरज की जो है रोशनी हमारे कैमरे पर भी पूरी तरह से लागू हो रही है। तो ये आ चुका है हमारा, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है ट्रैक। अभी हम अपने मित्र को कहेंगे कि चलिए सीट चेंज कर लीजिए, गाड़ी स्टॉप। तो देख सकते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त हाईवे और गाड़ी आ चुकी है हमारी इधर, ड्राइवर चेंज हमने कर दिया है अभी। तो भाई एक दिन पहले हमने इसको सिखाई थी गाड़ी, अभी देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो
तो भाई सीट जो है ना इनके हिसाब से भाई आल्टो K10 की यहाँ पर इसके हैंड अट जाते हैं, तो अभी थोड़ी पीछे कर दिया बिल्कुल, देखें हाइट के हिसाब से मेरी हाइट में और इनकी हाइट में बहुत फ़र्क है। थोड़ी सी गियर में दिक्कत हो गई है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। चलिए भाई फर्स्ट गियर डाल दिया, अब हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक। ये बंदे करने पड़ेंगे। चलिए जी, तो दोस्तों वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने इनको पहले से कार किया है, तो गाड़ी 20 की स्पीड पे ही चलेगी अभी। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है इनको क्योंकि एक दो बार मैंने इनको पहले चलवा दी है, लेकिन आज हम बहुत ही लंबे टाइम के बाद आए हैं, देखते हैं कि कोई गलती करते हैं या नहीं। देख सकते हैं दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह ट्रैक बने हुए हैं, जैसे लाइनिंग है इसके अंदर अंदर भी हम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ की हुई है बच्चों ने, ये बीच के बना दिया है यहाँ पर बीच में ही। तो वैसे आज हमारा दोस्त जो है कि बहुत अच्छी तरह से चला रहा है, और इसने जब हम पहले दिन आए तो इस टावर के पास गाड़ी को लगा दिया था, मैंने हैंड ब्रेक लगा कर बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल में किया था, तो लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है, सेकंड गियर है गाड़ी का। और आप देख सकते हैं म्यूज़िक हमने बंद कर दिया है क्योंकि फिर कॉपीराइट का जो है क्लेम आता है भैया। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन गाड़ी यहाँ सिखाई जाती है, देखिए दोस्तों एक गाड़ी आ चुकी है और ये भी ड्राइविंग सीखने के लिए यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। ड्राइविंग स्कूल पर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है किसी अच्छे दोस्त के साथ अपने आए और ड्राइविंग का आनंद लें यहाँ पर। तो भाई अभी मैं गाड़ी से नीचे उतर गया हूँ क्योंकि अंदर बैठकर ऐसा लग रहा था कि अजीब सा, तो देख सकते हैं अभी सीख गया बंदा बिल्कुल सही से। अभी ये प्लस वन में है, तो क्योंकि आज के हिसाब से गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है, फैमिली में एक ही मेंबर है जो गाड़ी चलाता है और घर में हर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, दोस्तों गाड़ी सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम इसके फंक्शन वगैरह का पता होना चाहिए। देख सकते हैं सिर्फ एक ही दिन मैं इसको लेके आया था, उसके दिन आज हम पूरे 15 दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं आप ट्रैक बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, और मैंने इसको बोल रखा है कि बिल्कुल लाइनिंग के अंदर अंदर चलानी है, इसे एक रोड समझा जाए। तो आप देख सकते हैं और दोस्तों ड्राइवरी में सबसे पहले बेफिक्र होकर बिल्कुल टेंशन फ्री। तो देख सकते हैं आप दोस्तों बिल्कुल गजब की ड्राइवरी कर रहे हैं हमारे दोस्त। तो दोस्तों अभी हमने पूछा कि सही है, इन्होंने बताया बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि उस दिन इस हाइट होने की वजह से इसकी हैंडल की जो सेटिंग थी वो नहीं आ रही थी पूरी, अभी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसके साथ मैंने अपने दूसरे भाई साहब को बिठा रखा है ताकि वो इमरजेंसी में हैंड ब्रेक लगा सके। तो भाई अगर इसी हिसाब से गाड़ी चलेगी तो एक हफ्ते में बिल्कुल बंदा परफेक्ट हो जाता है। दोस्तों इस ट्रैक में पूरी तरह से बनाया हुआ है किस साइड राइट साइड मोड़ना है, निशान भी है, और तो इससे बंदा जल्दी सीख जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं भी बीच में ही बैठ जाता हूँ यहाँ पर खड़ा होकर, थोड़ा ठंड का मौसम सा है अभी। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर ही, बाहर थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं 2-3 दिन से। तो देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल नेचुरल, नो हाई RPM, ओनली 1000 RPM, सही ड्राइवरी की पहचान होती है। देखिए दोस्तों 1000 RPM यदि आपकी गाड़ी के रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एवरेज माइलेज सब कुछ 20 की स्पीड है और ट्रैक पर अच्छी तरह से। हाँ भाई काले ठीक चला, सीखनी तुमने भी सही भाई, ये जो बंदा है इसको ट्रैक्टर का बादशाह कहा जाता है, तो कहना जो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आती।
तो यहाँ पर भाई साहब सचिन तेंदुलकर भी बैट लेकर बीच में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी राइडिंग हो रही है। तो दोस्तों कुछ नहीं है खास, तो दोस्तों गाड़ी कुछ इतनी चल चुकी है और शुरू में देख लेना जब हम वीडियो शुरू करेंगे कितनी है। तो अभी चलते हैं, टाइम हो चुका है, पूरे 6 बज चुके हैं, 1 घंटा हमने लगाया है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी चल दिए हैं हम घर की तरफ क्योंकि शाम हो चुकी है और भी काम करने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो बनाने का थोड़ा छोटा सा मकसद, ताकि वीडियो भी हो जाए और साथ में हमारा मनोरंजन भी हो जाए और गाड़ी भी सीख ली जाए। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है इधर कुरुक्षेत्र पंचकुला, ये सीधा चंडीगढ़ भी जाएगा अंबाला रोड, और ये नीचे इधर चला जाएगा दिल्ली रोड यानी कि कुरुक्षेत्र दिल्ली लाडवा जिस रोड से हम चल रहे हैं, और वो ऊपर हाईवे इधर दिखाओ भैया, ये हाईवे सीधा जाएगा चंडीगढ़ पंचकुला अम्बाला। तो भाई अभी आ चुके हैं हम अपने गांव वाले रोड पर, जो कि यानी कि ये सीधा जहां पर अभी हम खड़े हैं ये मेन हाईवे का प्लस पॉइंट आ चुका है। इधर जाएगा ये दिल्ली कुरुक्षेत्र लाडवा, और इधर जाएगा यमुना नगर यानी कि आपका जाएगा ये बिलासपुर साइड। अभी हम इसके पीछे पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल इतना हो चुका है, क्या बताएं आपको। तो गाड़ी को सेफ्टी से चलाना चाहिए, नो मस्ती। देख सकते हैं शाम के टाइम में पब्लिक ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो पर हम यहीं करेंगे ब्रेक। लाइक शेयर जरूर करना, धन्यवाद।